गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक से पेंटिंग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे एक ड्राइंग शीट चाहिए। मैंने यहाँ पे ड्राइंग बुक ले रखी है, आप चाहे तो ड्राइंग शीट यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है टेप चिपका के। आप लोग टेप चिपका के बनाइए, चाहे पेंसिल से स्केच कर सकते हैं। उसके लिए और मुझे चाहिए फेविकोल, वाटर कलर, ब्रश, कुछ ब्रश चाहिए मुझे, पेंसिल, शॉर्पनर और इरेजर। ओके, अब चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। मैं ये फेविकॉल से डायरेक्ट बना रही हूँ, जिससे कि फेविकॉल सूखने के बाद ये ऊपर से दिखाई, पेंसिल नीचे से दिखाई ना दे। आप चाहें तो पेंसिल हल्की चलाते हुए बनाएं, ताकि फेविकॉल सूखने के बाद नीचे से पेंसिल दिखाई ना दे। अगर पेंसिल दिखाई देगी तो फिर वो ड्राइंग अच्छी आपकी नहीं बन लगेगी। ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी ये ड्राइंग बन चुकी है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे। जब ये पूरी अच्छे से सूख जाएगी तब हम इस पे कलर करेंगे। ये देखिए, हमारी पेंटिंग अब बन के सूख के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर वाटर कलर करेंगे। पहले हम पानी से थोड़ा सा ये गीला कर लेंगे बैकग्राउंड इसका, जैसे कि कलर सही अच्छे से फैले।
अब ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, बस लास्ट में जहाँ जहाँ ये वाइट फेविकोल लगा है उसको हल्का हल्का पानी से वॉश कर लेंगे, वॉश करके पोंछते जाएंगे, तो जिससे कि नीचे से फेविकोल दिखेगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब हम इसका टेप रिमूव कर देंगे जिससे कि पेंटिंग का बॉर्डर दिखाई देने लगेगा। देखिए हमारी अब फाइनली ड्राइंग तैयार हो गई है, आपको इफेक्ट दिख रहा होगा साफ, ये देखिए फूल का फेविकॉल इफेक्ट आपको साफ नज़र आ रहा होगा।